आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखते हुए आज शिमला में पवन कुमार बंटी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बंटी इससे पहले कांग्रेस में लगभग 20 वर्षों तक सक्रिय राजनीति और विभिन्न पदों पर रहे। उसके साथ बालकृष्ण जी वन विभाग से रिटायर हुए, उन्होंने भी पार्टी की सदस्यता दी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई। गौरव शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता के दिलों में घर करती जा रही है और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वहीं पवन कुमार बंटी ने कहा कि कांग्रेस अब परिवारवाद में फंसी हुई है और उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज शिमला की हालत बद से बदतर हो गई है, सड़कों की खस्ता हाल है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए हाहाकार शिमला में आए दिनों रहता है, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। बंटी ने कहा कि शिमला शहर में लगभग 1000 लोग उनके साथ जुड़े हैं और वो अब उनके कहने पर आम आदमी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। बंटी ने कहा कि देश को आज केजरीवाल जी की जरूरत है। आज जो मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है, शीतला माता जी का वो है और मैं अब तन मन धन से इस पार्टी में कार्य करूँगा और मैं बहुत पुराना ही कार्यकर्ता हूँ। बाकी अब ये पार्टी माता ही हमारे को कामयाबी दिलाएगी और यहाँ तक कि सीएम भी जो है माता शीतला ही बैठाएगी हिमाचल सरकार में, क्योंकि लोग दुखी हो चुके हैं, महंगाई बहुत है। दूसरा, ये आपस में लड़ रहे, कांग्रेस वाले भी आपस में बहुत लड़ रहे हैं और नेता रूठ के जा रहे हैं और छोटे नेता भी जो है बीजेपी में भी अंदर कहीं ना कहीं क्लेश है। तो इस करके हमारे को एक ऐसी शक्ति चाहिए जो नौजवानों की सरकार आए। 30 साल कांग्रेस को दिए और 14 साल आपने बीजेपी को दिए, लेकिन कुछ नहीं उसका रिजल्ट निकला। कांग्रेस आती बीजेपी आती है, दोनों मलाई खाते हैं और जो कार्यकर्ता है, महंगाई की इतनी महंगाई बेतोड़ है कि आज गरीब आदमी की बहुत बुरी हालत है। रोड देखेंगे तो ढली में इतने रोड है कि जिसके वो डिलीवरी होनी हो वो भी हो जाएगी, इतने मतलब गड्ढे हैं और प्रशासन बिल्कुल फेल है, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखते हुए आज शिमला में पवन कुमार बंटी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बंटी इससे पहले कांग्रेस में लगभग 20 वर्षों तक सक्रिय राजनीति और विभिन्न पदों पर रहे। उसके साथ बालकृष्ण जी वन विभाग से रिटायर हुए, उन्होंने भी पार्टी की सदस्यता दी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई। गौरव शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता के दिलों में घर करती जा रही है और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वहीं पवन कुमार बंटी ने कहा कि कांग्रेस अब परिवारवाद में फंसी हुई है और उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज शिमला की हालत बद से बदतर हो गई है, सड़कों की खस्ता हाल है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए हाहाकार शिमला में आए दिनों रहता है, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। बंटी ने कहा कि शिमला शहर में लगभग 1000 लोग उनके साथ जुड़े हैं और वो अब उनके कहने पर आम आदमी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। बंटी ने कहा कि देश को आज केजरीवाल जी की जरूरत है। आज जो मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है, शीतला माता जी का वो है और मैं अब तन मन धन से इस पार्टी में कार्य करूँगा और मैं बहुत पुराना ही कार्यकर्ता हूँ। बाकी अब ये पार्टी माता ही हमारे को कामयाबी दिलाएगी और यहाँ तक कि सीएम भी जो है माता शीतला ही बैठाएगी हिमाचल सरकार में, क्योंकि लोग दुखी हो चुके हैं, महंगाई बहुत है। दूसरा, ये आपस में लड़ रहे, कांग्रेस वाले भी आपस में बहुत लड़ रहे हैं और नेता रूठ के जा रहे हैं और छोटे नेता भी जो है बीजेपी में भी अंदर कहीं ना कहीं क्लेश है। तो इस करके हमारे को एक ऐसी शक्ति चाहिए जो नौजवानों की सरकार आए। 30 साल कांग्रेस को दिए और 14 साल आपने बीजेपी को दिए, लेकिन कुछ नहीं उसका रिजल्ट निकला। कांग्रेस आती बीजेपी आती है, दोनों मलाई खाते हैं और जो कार्यकर्ता है, महंगाई की इतनी महंगाई बेतोड़ है कि आज गरीब आदमी की बहुत बुरी हालत है। रोड देखेंगे तो ढली में इतने रोड है कि जिसके वो डिलीवरी होनी हो वो भी हो जाएगी, इतने मतलब गड्ढे हैं और प्रशासन बिल्कुल फेल है, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।